जिस संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया उसी संस्था को उत्तर प्रदेश सरकार मेहरबान होकर के दरोगा की भर्ती का काम दे दिया। घोटाले भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई, सौ एफआईआर हो गए, 300 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन परीक्षा निरस्त नहीं हुई, दरोगा के अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा। ये सरकार का नंगा नाच है। ये भाजपा के लोग झूठ की खेती करते हैं, बदनाम करते थे समाजवादी पार्टी को कि 56 एसडीएम में 46 एसडीएम भर ले गया अखिलेश यादव, 86 में 56 भर्ती कर ले गए। अरे आप मुख्यमंत्री हो माननीय योगी जी, आपके लोक सेवा आयोग में आपके लोग बैठे हैं, कम से कम एक बार आंकड़ा तो मंगवा लेते। अरे भाई कुल भर्ती हुई थी अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल में कुल 110 एसडीएम की भर्ती हुई थी, कितना 110 टोटल, और 110 में मात्र 14 एसडीएम यादव समाज की हुई थी। अगर 14 एसडीएम यादव समाज की हुए थे तो 20 एसडीएम ब्राह्मण समाज के भी हुए थे, तो कहां हो गया भाई 86 में 56 कहां से आ गया? 86 में 56 कहां से आ गया? 46 कहां से आ गया? अरे भाई हमसे गलती हो सकती है क्योंकि हम सरकार में नहीं है, सरकारी मशीनरी हमारे पास नहीं है, सरकारी आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो सरकार में हो, मुख्यमंत्री भी हो, बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री हो, आपके अनेक अधिकारियों पर भी है, एक मिनट में बोलते सारे के सारे लोक सेवा आयोग आपके पास दिखाई पड़ता और पूरा चाक लेते, जानकारी लेते, उसके बाद बोलते। आप तो जैसे उठा एक आदमी किसी कही बात को सुनकर के चाहे झूठ चाहे सही हजार जगह गाने सब शुरू करता है, उसी जगह उसी तरीके से आपने बदनाम कर दिया पूरे अधो समाज को। मिला कुछ नहीं, बदनामी पूरे दुनिया में। ये झूठ की खेती करना बंद कर दो। और साथियों आज पूरे दुनिया में जो भूचाल आया मैंने कोई नई चीज नहीं की, हमने अपना कुछ जोड़ा नहीं, हमने तो रामचरित मानस महाकाव्य के कुछ पंक्तियों को इंगित किया था जिसमें जाति सूचक शब्दों का नाम लेकर के गाली दिया गया, नीच कहा गया, अधम कहा गया, और ये अर्थ भी हम उसी महाकाव्य से पढ़े हैं, अपना नहीं जोड़े कि जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवर, जात का नाम लेकर के तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवर क्या है? अधम नीच, क्या यही धर्म है? आज हमने तो केवल उस महाकाव्य की चौपाई पढ़ी और जो उस पुस्तक में अर्थ लिखा गया था उसी को मैंने बोला, मैंने अपना कुछ नहीं जोड़ा, मैंने किसी को गाली नहीं दिया, मैंने किसी को अपशब्द भी नहीं बोला, हमने केवल तुलसी बाबा की चौपाई और उसका अर्थ पढ़ा। और दूसरी ओर एक चौपाई और पढ़ा मैंने, और केवल पढ़ाई नहीं, हमने माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन के रूप में भेजा भी है